यूनाइटेड नेशन ने 1994 में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त घोषित किया था। तब से पूरी दुनिया भर के आदिवासी इस 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी लगातार आदिवासी समाज के लोग इस दिन बड़े धूमधाम से इसका आयोजन करते हैं। आदिवासी समाज के मांग पर हमारी सरकार ने 9 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया था, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद छुट्टी तो बरकरार है, लेकिन सरकार की ओर से आयोजन जो होना था वो आयोजन की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री एक मौके पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। सवाल इस बात का है कि यहाँ 32% एक तिहाई आदिवासी निवास करते हैं, समाज के ओर से आयोजन होता है, शासकीय आयोजन होता है, लेकिन सरकार के द्वारा हाथ खींचने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है? क्या चूंकि यूनाइटेड नेशन ने आदिवासी दिवस घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आदिवासी मानती नहीं है, वो बनवासी मानते हैं, और ये बनवासी दिवस नहीं है, आदिवासी दिवस, क्या इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खींचा? और सर शासकीय तौर पे जो आयोजन होता था उस आयोजनों से मुख्यमंत्री का शामिल नहीं होना ये आश्चर्य के विषय है, और मुख्यमंत्री को और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से शासकीय आयोजनों से मुख्यमंत्री विमुख हुए।